राजेश निर्वाल जी, आइए उनसे बात करेंगे और उनके कार्यों के बारे में पूछेंगे कि उनका कार्य किस युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जैसे बहुत समस्याएं थी, जैसे जनप्रतिनिधि के यहाँ पे भी बहुत समस्याएं लेके गए हैं, जल की उनके पास बहुत बिल आ रहा था बिना करेक्शन के, तो आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कार्य चल रहा है रुड़की का। सर बताइए, रुड़की में जहाँ जहाँ समस्याएं थी उनको मैं टोपे डिबेट नहीं कर रहा हूँ और लगभग समस्याएं मीट आउट भी हो चुकी है। यहाँ अमृतलाव पक्षी में इंटरक्शन कराया है, अभी वहाँ गंदे पानी समस्या चल रही थी, वो पानी सही हो गया वहाँ पर। और इसी तरह से अमृतलाव पश्चिम जाटो बस्ती में काम कराया है और जहाँ जहाँ लीकेज थी मेरे में लीकेज, वो जो मेरी थी वो मैंने ठीक करा दी है, और जो एडीबी थ्रू हुई थी एडीबी से मिलकर के वो भी करा दिया गया है। सर ये आपके कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे, जबकि जनप्रतिनिधि और हमारे जो विधायक जी हैं उनके पास लगातार शिकायतें जा रही हैं कि जहां पर पानी पहुंचा नहीं है वहां से बिल आ रहा है, तो इस कार्य को लेकर क्या कहेंगे कि ये लापरवाही है कोई? नहीं, अगर ऐसी कोई मैटर है तो मेरे सामने आया तो मैं मीटर खोल दूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि तनुज राठी जी भी हैं, वो इस बारे में बात करना चाहेंगे कि वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं इस स्तर पर, वो जहां भी कार्य होता है सबसे पहले वही पहुंचते हैं और अपने कार्य को देखते हुए मतलब जनता के हितों के लिए उनके बारे में जानने के लिए अग्रसर होते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक प्रदीप पत्रा जी द्वारा जो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी निष्ठा लगन व ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करने के लिए हर 24 घंटे तत्पर हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये मानना है कि समस्या हम तक पहुंचे उससे पहले हम समस्याओं तक पहुंच जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमें जनता के बीच जाना होता है और जनता से जो हमने वादे किए उन्हें हमें निभाना भी है। क्योंकि जब हम वोट लेने के लिए आते हैं तो बहुत से व्यक्तियों को हमसे बहुत आशा होती है और हम बहुत वादों के साथ और आए थे और इरादों के साथ माननीय विधायक जी का सपना जो है रुड़की को स्वर्ग बनाने का बहुत जल्द 3 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी मुझे जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदारी दी है सर लगभग 1 महीना अभी लगभग पूरा ही हुआ है। तो उसमें हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले था पेयजल, इसमें क्या था कि सीवर ओवरफ्लो, कीड़ों का पानी आना घरों में और पानी आ रहा है वो पानी नहीं आ रहा बिल का आना, और इसके अंदर हमने आप यकीन मानिए कि लगभग पूरे रुड़की में इस तरह राजेश निर्वाल जी बहुत बधाई के पाते हैं, इनके द्वारा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। संडे को भी छुट्टी नहीं है, कल भी छुट्टी नहीं है और दिन रात इतनी तेजी से काम चल रहा है। आप ये देखिए कि एडीबी की यहाँ पे बहुत लापरवाही थी कि कनेक्शन अधूरे में छोड़ दिया गया, पूरी गली यहाँ से प्रभावित हो रही थी। आज जनता द्वारा शिकायत माननीय विधायक जी के यहाँ पहुंची, माननीय विधायक जी द्वारा संज्ञान लिया गया और कहा गया भाई इस समस्या को दूर करो। तो मेरा ये कहना है कि सारी बातों का यही हमारा ये कहना है, हमारा जो उद्देश्य है वे यही है कि पहले आप जल को बचाने का संरक्षण चल रहा है, उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर जब बरसात आने वाली है माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से कि पूरी रुड़की शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जो नालियां चौक पड़ी है ओवर फुले हो रहे हैं, एडीपी के द्वारा मट्टी पड़ी है पूरी रुड़की में बहुत जोर शोर से, अब सिर्फ नगर निगम का सफाई अभियान चलेगा। उसके बाद बिजली के तार कहीं लटके पड़े हैं कहीं वो टच हो रहे हैं, बिजली से संबंधित शिकायतें भी आ रही है उन पर भी काम होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि रुड़की को स्वर्ग बना दिया जाएगा और ये रुड़की शहर जो शिक्षा नगरी है इसमें बहुत तेजी से अब काम शुरू होगा। सर एक बात बताइए, जो एडीपी का कार्य चल रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो मतलब जनता है उसे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर वो कब तक पूरा होगा? देखिए इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडीबी ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया है और एडीबी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए दे दिया है, टेंडर जारी हो चुके, काम सिर्फ होने वाला है। कभी मेरी अधिक पवन टोलिया जी से मेरी बात हुई है, संजीव कुमार से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे स्पष्ट रूप से ये कहा है कि पैसा तो आपने ट्रांसफर कर दिया, क्या आपने एनओसी नगर निगम को दी थी कि हमारे कार्य पूरे हो चुके हैं? तो इस पर उनका कोई जवाब, जो भी कोई जवाब था उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था और उन्होंने इस चीज को माना कि बड़े कनेक्शन हो गए छोटे रह रहे हैं। तो इसका मतलब एडीबी की जो धीमी रफ्तार है वही इसकी जिम्मेदार है और एडीबी को भी अब अपना जो कार्यशैली सुधारनी होगी, सारे रास्ते बंद कर देते हैं, उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम बिल्कुल भी अब किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद तनुज राठी जी हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन रजत गुप्ता के साथ नितिन कुमार रुड़की सबसे। आपने जो शिकायत करी पानी की उससे आप संतुष्ट हो कि काम हो रहा? संतुष्ट तो हो ना?
आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी जनता की संतुष्टि हमारे लिए। नहीं देखो हमने भी आपके हमने भी आगे लगे हुए हैं। मेरा समस्या थी ना अपनी संसद देखते तुरंत मैंने इस कहा था आपके सामने उठ गया। हाँ हाँ अब तक लाइन नहीं जुड़ी थी, अब लाइन जुड़ गई, अब पानी आ जाएगा। घर पे कोई नहीं था, शाम तक नहीं, कल सुबह तक आ जाएगा। देखो काम है अभी, आपके सामने कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनका नाम नंबर नोट करके जल संस्थान में आप एक काम करना, मेरा नंबर है मोहल्ले वालों पे, अशोक गोयल मुझे एप्लीकेशन देना, उनसे मेरी बात कर देना, वो मैं जानता चल रहा, ठीक है, बस काम हो जाएगा। आप कहीं और जाने